ट्रिप से पहले ही कार्ड हम फिल करते हैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। सुबह सुबह ही बस प्लान बना, हमारे सुबह ही मैंने टिकट बाय की है। सो हियर इज द कैप्टन। ये देखिए डॉल्फिन ही डॉल्फिन है हर जगह। बहुत जबरदस्त मजा आ गया भाई। और ये हमारे साथ साथ जा रही है, ये इधर तक जाएंगी लग रहा है मेरे। डॉल्फिन शो देखना हो तो उसी पे आ जाए क्रूज पे। एंजॉय कर लिया, वही चल रहा इसी तरह। बहुत सारे डॉल्फिन नजर आए। या यू सी द डॉल्फिन? या आई नो यू आर सो एक्साइटेड। ऑल फिशेस आ जाती हैं सरफेस पे ओशन के। तो एक घंटे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक और नए व्लॉग के साथ। दिस इज के के और दिस इज शर्मीन। आज हमारा मॉर्निंग एक्सपीरियंस है व्हेल वॉचिंग के लिए एंड वी आर सो एक्साइटेड। हमने 8:30 की बोट ली है बेलबुआ आइलैंड से और ये सेम 2 आवर्स का ट्रिप है। सो होपफुली इस दफा हमें शायद व्हेल नजर आ जाए। एक्सपेक्टेशन तो है। हमने शाम की ही बोट राइड ली है व्हेल वॉचिंग के लिए। सो दिस इज आवर फर्स्ट टाइम और आते हुए बेलबुआ बिल्कुल खाली था। मॉर्निंग हाँ मॉर्निंग का यही बेनिफिट था कि पार्किंग इजीली मिल गई, लेकिन ये ट्रैफिक था क्योंकि ट्रैफिक टाइम था। तो आपको दिखाते हैं अभी राइट नाउ 8:30 हो रही है सुबह के और बिल्कुल खाली है बेलबुआ आइलैंड। नो वन इज हियर। ब्लॉग्स आ जा रहे हैं, बाबा को फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करते करते जा रहे हैं। सो आज हम व्हेल वॉचिंग इस वाले लोकेशन से करेंगे। सो इस तरह से लोग ये हमेशा किसी भी ट्रिप से पहले ही कार्ड हम फिल करते हैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो बुराक पर सुनाया कि बाबा की हमें अपने कार्ड फिल करेंगे। ये वाली बोट बड़ी है, लास्ट टाइम थोड़ी छोटी थी। सो इट्स अ बिग बोट। तो सना यस वी आर ऑन बोट। थैंक यू, वी वर द लास्ट वन एक्चुअली। हमारा ही वेट हो रहा था लाइक कैंटीन जो है और कॉफीज वगैरह सब हैं, काउचेस भी हैं। It's a nice double story. I like this one. This is like more safe. More safe, less safe. हाँ, उस वाली बहुत इसमें थोड़ा स्कैरी थी बच्चों के साथ, तो यहाँ पे ये सेफ है काफी। Wow. So ये स्टार्ट हो गए हैं अब और सफर स्टार्ट होगा। 2 आवर्स का है ये ट्रिप। हमने डिसाइड किया कि अब स्टेयर जाते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं वहाँ से, इसके बाद फिर ये इनका अप स्टेयर है। और ये आ गए हमारे बुराक और सनाया। गो अप स्टेयर, गो अप। और ये सारा बेलबुआ आइलैंड और जगह भी इजली मिल जाएगी और बच्चों के हिसाब से बहुत सेफ है, सेफ लगा मुझे ये। So we can easily manage here. बहुत क्विक प्लान था हमारा, सुबह सुबह ही बस प्लान बना। हमने सुबह ही मैंने टिकट बाय की है, तो मैंने कहा चलते हैं क्योंकि अभी समर ख़त्म होने वाला है यहाँ पे, तो उसके बाद तो फिर मुश्किल होता है निकलना। तो वेदर बहुत अच्छा है व्हेल वॉचिंग के हिसाब से, लाइक 85 से 90s फॉरेनहाइट। तो वेदर से ये जैकेट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो सही टाइम है ये यहाँ से। या वी विल सी द मरमेड। सनाया का तो मरमेड देखनी है, वो फुल डिज्नी के मूड में है, लेकिन आज हमारा प्लान नहीं है। होपफुली नेक्स्ट वीक हम लोग डिज्नीलैंड भी जाएं। सो लास्ट जो हमारा ट्रिप था वो इवनिंग का था 6 PM का, आज हमारा 8:30 AM पे किया है हमने। तो हम एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे कि मॉर्निंग में क्या क्या होता है। सो मे बी हमें कुछ व्हेल्स नज़र आ जाएँ आज या ज़्यादा डॉल्फिन्स नज़र आ जाएँ, तो एक्सपेक्टेशन तो यही है, बट विल सी। नीचे क्या, ये लोअर डेक है, हम लोग अपर डेक पर हैं।
कैप्टन और बोट काफ़ी मैसिव है और ये के काफ़ी सारी स्पेस है इसमें सफा लुक रियली गुड डे आई होप कि हमें व्हेल नजर आ जाए What we are concerned with on a day-to-day basis on a boat like this is how you are maneuvering around the vessel. Almost all accidents are entirely preventable by walking carefully, keeping 3 points of contact, and available to hold on to a handrail, which means no running, no jumping. काफी सारी अनाउंसमेंट कर रही हैं ट्रिप के बारे में सारा पैसिफिक ओशियन Whale watching and dolphin watching is one of my best favorite activity in California. तो हमेशा ही enjoy करता हूँ साल में एक दफ़ा तो हम ज़रूर मतलब है कि जाते हैं whale watching में तो पहले तो किड्स थी जब भी जाते थे अब बुरागस राय के साथ और ज़्यादा मज़ा आता है ये बहुत excited होते हैं दोनों माशाल्लाह और आज भी मूड में है माशाल्लाह भी अब हम लोग दोबारा लोअर डेक पे जा रहे हैं तो नीचे से थोड़ा एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं तो यहाँ एक्सेस है हमें दोनों डेक में अपर डेक लोअर डेक तो देखते हैं अभी ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने कैफेटेरिया भी तो कुछ कॉफ़ी वगैरह लेनी चाहिए इसके प्राइजेस भी बताए हुए हैं यहाँ पे ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं आयरिश कॉफी $12 और बाकी यहाँ पे तो आई एम ग्रैबिंग माय मॉर्निंग कॉफ़ी और इन्होंने $3 की दी है कॉफ़ी सो इट्स गुड साइज़ भी अच्छा है और वेरी हॉट है लाइक गर्म है बाकी हॉट कॉफ़ी है और ये सारे ब्यूटीफुल करोना डेनमर और बेलबोआ के हाउसेज हैं ये आई थिंक बेलबोआ के हैं तो आप हमारी पहली वीडियो पुरानी वीडियोज़ में भी देख चुके हैं और अब हम डीप सी की तरफ जा रहे हैं Sleepy. Yeah, mermaid is sleepy. So we will see the mermaids. Sanaya ko to mermaid dekhni hai jab se hum log ghar se nikle hain. She wants to see the mermaid. Hey Sanaya. Ye dobara beautiful Karuna Dammer. Oh, ye sara sab ye Karuna Dammer area hai. और अब इन्होंने स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि अब हम आ गए हैं डीप सी की तरफ हमारा तो सभी प्राइवेट ही हो गया सेक्शन कोई नहीं है यहाँ पे सिर्फ हमारी फैमिली है बराक सनाया शर्मीन और मैं Sana, we will see sea lion. Yes. Yes, Burak. You excited? Huh? Burak is playing with his shadow. आज थोड़ी high tides हैं, तो
वेव्स काफ़ी हैवी हैं, तो देखें पूरी जो बोट है वो मूव हो रही है, तो लाइक अप एंड डाउन हो रही है पूरी, देखें आप। Yes, Alaya. Yeah. Yeah. Where is the dolphin? बस अब जल्दी से डॉल्फिन और व्हेल नजर आ जाए। पीछे सारा आ गया, ये न्यू पोर्ट। What's in the bottom? Oh, okay. There's a store. Dolphin तो नजर आई है हमें थोड़ी सी। Oh, it's a dolphin. आज हमारा हुआ है सक्सेसफुल ट्रिप, शुक्र अल्लाह, इतनी सारी डॉल्फिन एक साथ। बेबी डॉल्फिन भी हैं सर। बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ गया भाई।
बहुत है भाई, हर जगह डॉल्फिन ही डॉल्फिन है। बुराक सनाया डॉल्फिन। डॉल्फिन ही डॉल्फिन आज तो भाई। यहाँ पे देखिए सब सब डॉल्फिन ही डॉल्फिन है अभी। वाह दूर तक। Lot of dolphins today. बोट के साथ साथ ही जा रही हैं सारी डॉल्फिन। सो अमेजिंग, देखिए आप मस्त कुदरत की शान है सब ये। Yeah, I know. You're so excited for the dolphin. Yes, Sanaya. ये तो फ्रंट पे आके खड़े हैं बुराक और सनाया दोनों और डॉल्फिन देख रहे हैं। ओह वाओ अच्छा 360 पे मूव हो रही है ये। 360 के पे पूरा ये राउंड ले रही है ये। डॉल्फिन है आज तो भाई। तो मॉर्निंग एक्सपीरियंस में बोलूँगा हमारा बहुत अच्छा रहा, अच्छा जा रहा है ना। इतनी साइड ऑफ ये सब ब्रेकफास्ट में दिखी है। एयर पहले की बात है कि जब ऐसा हुआ था हमारे साथ इतनी सारी डॉल्फिन एक साथ थी के बाद आज ये एक्सपीरियंस हुआ है।
हमारे साथ साथ जा रही हैं ये, इधर तक जाएंगी लग रहा है मेरे हमारे साथ। डॉल्फिन शो देखना हो तो उसी पे आ जाएं, क्रूज पे। बेबी डॉल्फिन भी है। यस वेयर दिस इज द बिग ओवर मॉमी। यस फैमिली है सुनाया सी। मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ फैमिली के साथ और वैसे भी मजा आ रहा है कैप्चर करने में सारी डॉल्फिन को। सुबह आना आसान नहीं था, हम लोग 6:30 पे उठे थे सुबह। वाह देखिए, वाह लेकिन हमने 8:30 की ले ली। दिल भर के आज देख ली डाल जबरदस्त। बहुत ही जबरदस्त आज का हमारा ट्रिप जा रहा है, डॉल्फिन ही डॉल्फिन नजर आ रही है, इतनी सारी डॉल्फिन एक साथ देखी बहुत अरसे के बाद। देखिए आप पीछे मेरे सारे डॉल्फिन नजर आ रही है, तो हर जगह डॉल्फिन ही डॉल्फिन है। देखिए यहाँ पे और बुरा को सुनाया माशाल्लाह, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, तो मजा आ गया इतनी सारी डॉल्फिन एक साथ माशाल्लाह। देखिए यहाँ पे जंप कर करके going on, so I'm hoping to survive because there's nothing bigger around here, but this is more bird activity than we saw
आ गया हूँ अपर डेक पे। मैंने कहा यहाँ से भी देखते हैं कैसा व्यू आ रहा है। और ये देखें, ये बर्ड जो है सब हंटिंग कर रही हैं फिशेस की। इनके अभी ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है बर्ड्स का। हमारे मशरूम फैमिली बर्ड्स नया शर्मीन। और यहाँ पे भी सब हंटिंग चल रही है। एंड यहाँ पे भी फिर दोबारा आ गई डॉल्फिन। डॉल्फिन, बर्ड, सीगल, सारी ये कुदरत की शान है। समंदर की दुनिया बिल्कुल अलग है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इसमें टॉयलेट्स भी हैं, तो डोंट नीड टू वरी अबाउट। टॉयलेट्स भी हैं और फूड भी है, स्नैक्स वगैरह, कॉफ़ी और सिटिंग एरिया भी है। तो अब हम आ गए हैं दोबारा लोअर डेक पे। और ये देखें, ये तो लग रहा है इटली है। तो हमारा ये साउदर्न कैलिफोर्निया भी कम नहीं है इटली से। इसमें थोड़े कलर्स डाल दो हाउसेस में तो ये पूरा वही लगेगा आपको, लेक कोमो या चिंगे तेरा। और ये बराग सनाया की एक्साइटमेंट, बराग को तो यहाँ पे बस खेलने में लगे हुए माशाल्लाह।
आया। Three dolphins. If we see so many dolphins. Yeah. I know. You see whales? Yes. And birds? Yes. Three whales. Mom. Look. It was such an amazing trip. काफी टाइम से हमारा ट्रिप ड्यू था और काफी हम ट्रिप कर भी चुके हैं लेकिन डॉल्फिन स्पॉट्स की थी लेकिन इस दफा जो डॉल्फिन थी ओह माय गॉड वाज अमेजिंग लाइक दिल खुश हो गया सुबह डॉल्फिन रहती सारी बर्ड सीगल और वो जो हंटिंग करी थी फिशेस की दैट्स आल्सो अ गुड एक्सपीरियंस तो इसके साथ ही आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर अवर वीडियोज थैंक यू सो मच